हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। आने वाली वीक के लिए 27 मई से 31 मई तक जो भी स्टॉक मुझे लग रहा है कि जिसमें मोमेंटम रहेगा या कुछ इंट्राडे अपॉर्चुनिटी रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इलेक्शन के बाद भी कौन से ऐसे जो कंपनीज है जहाँ पे कुछ बाइंग आ सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू, वो देख के, और टेक्निकल एनालिसिस भी वीडियो रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में आके आप डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो देख सकते हो, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, इंट्राडे है, सॉफ्टवेयर कैसा यूज करना है या फ्यूचर और ऑप्शन, ये सब आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि आने वाले वीक में या आफ्टर इलेक्शन हमको कौन से स्टॉक के ऊपर नजर रखना है, वो हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टॉक का वीडियो चालू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसके मैं आपको निफ्टी के बारे में वहां पे बताया, तो जैसे कि मार्केट ओवरऑल कैसा रहेगा वो वीडियो देख के आपको पता चलेगा। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक देखेंगे, और जैसे कि नॉर्मली हम लोग कभी भी जो स्टॉक शुरुआत करते हैं तो हम रिलायंस को पहले ये करते, तो हम रिलायंस देखेंगे कि डेली में उसका कैसा दिख रहा है। तो देखिए, ये इलेक्शन का दिन का कैंडल है, देन फ्राइडे में देखिए, फ्राइडे में भी रिलायंस थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन जो निचले लेवल से ये थोड़ा कवर हुआ है, यानी रिलायंस में अभी तक स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। रिलायंस में जब भी स्ट्रेंथ आएगी तो मार्केट ज़्यादा कवर हो सकता है। मंडे के लिए आपको रिलायंस को लेवल जो रहेगा 1354 के ऊपर अगर जाता है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हो। रिलायंस थोड़ा अभी मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी ये 1354 के ऊपर जाके सस्टेन होगा इंट्राडे में भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसको अगर शॉर्ट करना है तो इसका जो लेवल रहेगा शॉर्ट का वो है 1317 के नीचे, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। 1317 के नीचे शॉर्ट आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है, जैसे कि मैंने इलेक्शन होने के बाद कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए थे, आपको बताए भी थे, और स्टॉक के बारे में वापस से मैं फॉलोअप भी देता हूँ और नए स्टॉक भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो अल्ट्रा केम जो है, जैसे कि ये सीमेंट का स्टॉक है, जैसे कि गवर्नमेंट आने के बाद मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उसके साथ ये सीमेंट के कंपनी भी बढ़ सकते हैं। अल्ट्राटेप का जो मैंने एक लेवल निकाला था 4808, फ्राइडे को वो टच किया था, फिर उसके नीचे आ गया। अगर मंडे को इसके ऊपर इंट्राडे में भी जाता है तो आप बाय कर सकते हो। तो उसका जो टारगेट है यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 4881, और उसके ऊपर जाके अगर ये सस्टेन होता है तो आप डिलीवरी में भी इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अडानी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शेयर है, और जो भी इलेक्शन था उस दिन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन ऊपर से सेल आया, मार्केट में भी पूरा सेल ऑफ आया था। तो इसको भी आपको अगर मंडे को आपको इंट्राडे में लेना है तो इंट्राडे में 415 के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो, और जब भी ये इलेक्शन का जो कैंडल था उसके ऊपर जाएगा तो आपको डिलीवरी में भी रख सकते हो, तो इसमें अच्छी बाइंग आने का एक संभावना है। नेक्स्ट एलएनटी, मैंने आपको एलएनटी भी मैंने शेयर किया था। तो देखिए, एलएनटी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और यहाँ पे जब इलेक्शन का ये जब से चालू हुआ है माहौल, रिजल्ट का ये अच्छा रिकवरी कर रहा है, और बहुत दिन के बाद कर रहा है रिकवरी देखिए, तो यहाँ पे और बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। इसमें अगर इंट्राडे में भी ये लेवल के 1562 के ऊपर जाता है तो आप इंट्राडे में भी इसको बाय कर सकते हो। अभी करंट लेवल इसके नीचे है, लेकिन इसमें बाइंग आएगा तो इसके ऊपर जाता है, जब भी जाएगा आप इसमें इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप डिलीवरी में भी इसको बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि इंडस बैंक, ये भी मैं आपके साथ शेयर किया था। इंडस बैंक देखिए कि बहुत गिरावट के बाद एक अच्छा सपोर्ट लेवल लेके ऊपर आ रहा है, और जैसे कि इलेक्शन के बीच में, रिजल्ट के बीच में इसने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, तो ये और भी चल सकता है। जैसे कि बाकी के बैंक के मुकाबले ये ज़्यादा चला नहीं है, और ये अच्छे एक लेवल पे आया, जो लेवल था 1665.7, तो इसके ऊपर अगर इंट्राडे में भी जाता है मंडे को, आप इसमें बाइंग कर सकते हो, और डिलीवरी में भी और अच्छा मूवमेंट ये कर सकता है। नेक्स्ट जो है HDFC बैंक। तो देखिए, HDFC बैंक तो इतना मोमेंटम नहीं किया, लेकिन फ्राइडे को एक उसने अच्छा कैंडल बनाया, तो ये जो लेवल है उसका 2385, उसके ऊपर अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है मंडे को,
तो इसमें आप इंट्राडे में ये लेवल देख सकते हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, HDFC भी यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट है यूरो मोटर कॉप, तो देखिए कि जैसा मार्केट में पॉजिटिविटी आए तो ऑटो के शेयर भी अभी चलना चालू हुआ है। यूरो मोटर कॉप है एक अपने इम्पोर्टर्स लेवल के यहाँ पे आके यहाँ पे रुक गया है, जो लेवल है 2847, उसने फ्राइडे को यहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन जब भी कभी नेक्स्ट वीक में या फिर मंडे को भी अगर 2847 के ऊपर जाता है इंट्राडे में, अगर 15 मिनट क्लोज होता है तो आप इसमें जो है कि इंट्राडे कर सकते हो, और डिलीवरी में भी यहाँ पे क्लोज होता है एक दिन इसके ऊपर क्लोज देगा तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट है M&M, तो M&M मैंने पहले भी आपको साथ शेयर किया था, तो जैसा कि ये नया गवर्नमेंट आता है तो मोस्टली जो ये है कि एग्रीकल्चर है उसको थोड़ा बहुत जो है कि बूम मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है, तो जो M&M है वो ट्रैक्टर भी प्रोड्यूस करता है तो उस वजह से भी इसमें बाइंग आ सकती है। और फ्राइडे को भी एक कैंडल बना था, बहुत अच्छा बना है, जितना भी नेगेटिविटी होता है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, और जो कि इलेक्शन का कैंडल था उसके ऊपर भी ये क्लोज हुआ है, तो इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मंडे को भी आप इसको देख सकते हो 667 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, और इसमें एक क्लोजिंग होता है इसके ऊपर तो आप डिलीवरी में भी इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, तो बैंकिंग स्टॉक भी फ्राइडे को भी बहुत अच्छा कवर कर रहे थे, और एक्सिस बैंक है वो भी अच्छे इसने कवर किया है, और उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है एक पॉजिटिव बन रहा है। अगर आपको मंडे को इंट्राडे में देखना है तो 796 के ऊपर आप इसको देख सकते हो, उसका टारगेट 804 तक आ सकता है। 804 में नेक्स्ट वीक में कभी भी ये ऊपर क्लोज होता है तो इसमें आप जो है कि डिलीवरी बेस के लिए भी इसको आप रख सकते हो। नेक्स्ट है सिप्ला, तो सिप्ला में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो असेंडिंग चैनल बन रहा है, और असेंडिंग चैनल बनने के टाइम पे ये लेवल जो अभी 572 है यहाँ पे वो बहुत बार रिसेशन लिया था, और इधर ही उसने हैमर बनाया, तो शायद 572-56 के ऊपर ये जाता है तो मंडे को भी आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस, तो ये जो बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर इसमें नेक्स्ट बाइंग आएगी तो यहाँ पे ये इंट्राडे के लिए नहीं, लेकिन 8291 के ऊपर नेक्स्ट वीक में कभी भी जाता है तो यहाँ पे आपको एक डिलीवरी बेस या भी जिस दिन ये लेवल कवर करता है तो उस दिन आपको इंट्राडे बेस भी ट्रेडिंग करने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो शायद ये लेवल मंडे को भी आ सकता है या उसके एक दो दिन बाद भी ये आ सकता है, तो इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये स्क्वायर बना रहा है तो ये लेवल पे आप ऊपर जाएंगे तो ये लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो जो मैंने आपको बताया 8291, लेकिन अगर ये 7983 के नीचे जाता है तो एक यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का जोन है। नेक्स्ट है टाटा स्टील, तो देखिए कि मेटल सेक्टर भी अभी बाउंस बैक कर रहे हैं, और टाटा स्टील में यहाँ पे आपको इसलिए दे रहा हूँ कि एक सपोर्ट लेवल से ये रिवर्स हो रहा है, और ये जो दो दिन का हाई है जो है कि ये दोनों कैंडल का हाई एक ही बना है, तो कभी ऐसा जो वही बनता है फॉर्मेशन तो उसके ऊपर जाएगा तो आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये जो है 486.89 के ऊपर अगर इंट्राडे जाता है तो आपको मंडे को भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन बजाज फाइनेंस, हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस को देखेंगे, तो ये देखिए कि बजाज फाइनेंस में जो है एक इलेक्शन के दिन नेगेटिव कैंडल बना था, लेकिन फ्राइडे को एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी 3518 के ऊपर जाता है तभी मिल सकती है, तो यहाँ पे ये एक या दो दिन में भी ऊपर जा सकता है, जब भी इसके ऊपर जाएगा तो आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप डिलीवरी भी इसमें ले सकते हो, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस और दोनों भी स्टॉक है बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन हम लोग देखेंगे ICICI बैंक, तो देखिए कि ICICI बैंक ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे कैंडल बनाया, और ये ऑल टाइम हाई जा रहा है यहाँ पे देखिए, और जो इसका कैंडल था इलेक्शन का उसके ऊपर इसने यहाँ पे देखिए क्लोज दिया, तो यहाँ पे आप अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो ये और भी रनिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये 433 के ऊपर यहाँ पे आपको इंट्राडे में एक अपॉर्चुनिटी देख सकता है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होगा तो आप इंट्राडे कर सकते हो, और इसमें डिलीवरी भी आप कर सकते हो अगर ये डे का क्लोजिंग देता है इसके ऊपर। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल, तो कोई स्टॉक ऐसे जिसमें कुछ फॉर्मेशन बन रहा है इसलिए मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो चार्ट है इसका एक नज़दीक का जो ये था ये इसने ब्रेक किया है, तो जैसा क्या होता है कि ये आपको पूरा पैटर्न देखोगे, पहला रेसिस्टेंस था
और यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो ये मल्टीलेवल ऑफ ब्रोकिंग हाउस है। तो जैसा कि अभी मार्केट का माहौल आया है, नया गवर्नमेंट आया, तो जब भी मोस्टली ट्रेडिंग बढ़ेगा और ये जो ब्रोकिंग हाउस वाले शेयर है ये भी कुछ मोमेंटम कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको 799 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है मंडे को, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग के लिए, बाइंग के लिए। नेक्स्ट जो है मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, कुछ चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे इसके लिए किया। तो ये मुथूट फाइनेंस देखिए पूरा अप ट्रेंड में, और ये जो फ्राइडे में इसने नजदीक का रेसिस्टेंस था ये ब्रेक किया। अगर इसको आप इंट्राडे में भी देख सकते हो, अगर ये लेवल जो है 645 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो जैसे कि ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल पे रिट्रेस होके आ सकता है करीब करीब 622 के यहाँ पे। यहाँ से अगर वो पॉजिटिव कैंडल बनाते तो फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये आपको आइदर साइड डायरेक्टली आप ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है, नहीं तो रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि SBI, तो इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। तो देखिए कि मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी PUC बैंक है उसमें बहुत सारा बाइंग आ रहा है। और मैंने एक लास्ट टाइम भी आपको शेयर किया था कि एक SBI में एक एबनॉर्मल कैंडल आया था ये, तो ये कैंडल का लेवल के ऊपर ये ट्रेड करा है तो बहुत पॉजिटिव है। और जैसे कि ये जो इलेक्शन का एक कैंडल आया था, तो यहाँ पे आपको SBI अगर पॉजिटिव है, PUC बैंक का सेक्टर पॉजिटिव है, आपको यहाँ पे मंडे को भी एक ट्रेड मिल सकता है 356.76 के ऊपर। और अगर ये लेवल वो ब्रेक करता है 363.93 अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है तो आपको इसको डिलीवरी भी ले सकते हो। तो यही जो स्टॉक है आपको मंडे भी देखने और आफ्टर इलेक्शन जो इम्पैक्ट आता है ये बहुत सारे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब मेरा वो वीडियो भी देख लो जो मैंने मार्केट फॉर द वीक बनाया है वीकली व्यू में, तो उसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल दिए। तो अगर निफ्टी वैसे पॉजिटिव जाता है तो जितने भी मैंने पॉजिटिव वाले स्टॉक दिए उसके ऊपर आप नजर रखो और निफ्टी के लेवल भी देखो। दोस्तों ये जो लेवल्स है ये मेरे टेक्निकल लेवल्स है, ऐसा नहीं कि मार्केट कल ऐसा ही चलना चाहिए। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए और इसको आप लाइक कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।